लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इस गेम को अपनी एक हरकत से शर्मसार कर दिया। असल में केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बेनक्रॉफ्ट बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए। कैमरे में ये साफ नजर आ रहा है कि बेनक्रॉफ्ट ने अपनी ट्राउजर से पीले रंग का सैंड पेपर निकालकर बॉल को खराब करते नजर आए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बॉल से छेड़छाड़ के बाद बेनक्रॉफ्ट ने सैंड पेपर को अपनी पेंट में छिपा लिया। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि बेनक्रॉफ्ट की इस हरकत के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम और मैनेजमेंट को मालूम था, और यह बात खुद कप्तान स्टीवन स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कबूली भी है। टेम्परिंग मामले में फंसने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए, ये तस्वीरें भारत समाचार आपको दिखा रहा है किस तरह से बॉल टेम्परिंग की गई है पूरे प्लान के तहत। अगर ये अनजाने में या धोखे से हुआ होता, चूंकि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है, खुद महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर इस मामले में फंसे, लेकिन वो सच नहीं था, धोखे में उनके साथ हुआ था। लेकिन यहां पर जानबूझ के किया गया और पूरे प्लान के तहत किया गया। और वाकई ये इसी वजह से हमें लिखना पड़ा कि जेंटलमैन्स गेम्स जो है वो शर्मसार हुआ है। देखिए, यही बेनक्रॉफ्ट है जिन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, और सभी को पता था, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान है, तेज तर्रार बल्लेबाज है, और चाहे डेविड वार्नर ओपनर है, यानी दो लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, ओपनर और मध्यक्रम के बल्लेबाज। और अब आपको उस कैमरामैन के बारे में बता देते हैं जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस करतूत को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस कैमरामैन का नाम है ऑस्कर, जिसने टेम्परिंग के इस खेल को अपने कैमरे के जरिए दुनिया के सामने लिया। वरना सोचिए, बॉल टेम्परिंग हो जाती, किसी को भनक भी ना लगती, पता भी ना चलता, लेकिन ऑस्कर जो कि कैमरामैन है, उन्होंने इस कारनामे को दुनिया के सामने लाया और बताया कि कैसे बेनक्रॉफ्ट ने स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की सहमति के बाद ऐसा किया। चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारा है कि मुझे इस बात की जानकारी थी, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बात मानी है। और ये वही कैमरामैन है जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑस्कर है, इन्हीं के कैमरे में वो तस्वीरें कैद। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा है, और ये टेस्ट मैच तीसरा टेस्ट मैच था, तीसरे दिन ऐसा हुआ और इसी कैमरे में कैद हो गया। ऑस्कर ने बेनक्रॉफ्ट और ऑस्ट्रेलियाई टीम की जो चोरी थी वो दुनिया के सामने ला दी, वरना इस बात का सोचिए आज जिक्र ही ना होता कि टेस्ट मैच चल भी रहा है और स्टीवन स्मिथ भी उसी तरह खेलते हैं।